नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा पेंशन का फॉर्म ई मित्र द्वारा कैसे भरें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त सोनू कुमार गहलोत और स्वागत है आपका अपने चैनल सिद्धार्थ टेक में। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूटिलिटी पर क्लिक करेंगे, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे SJE, उसके बाद पेंशन आवेदन यहां पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस पर आप ओके कर दें। दोस्तों, आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन ऐड यहां पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी व्यक्ति का हम पेंशन फॉर्म भर रहे हैं उसका हम जन आधार आईडी नंबर यहां पर टाइप करेंगे। अब दोस्तों हम सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस भी व्यक्ति का हम पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं उसका परिवार आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसकी आयु के हिसाब से जो भी पेंशन बन रही होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहां पर हम टिक करेंगे, कैप्चर बायो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों कैप्चर बायो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा टिक का निशान आएगा, उसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम जिस व्यक्ति का पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं उसकी सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। डिटेल को भली भांति चेक कर लें, अगर कोई कमी है तो जन आधार कार्ड में जाके सुधार कर लें। अगर डिटेल सही है तो सारी डिटेल को भली भांति चेक करने के बाद आप सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका डाटा सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है और आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, उसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद दोस्तों अब आप बैंक डिटेल पर क्लिक करें। बैंक डिटेल को भी दोस्तों आप भली भांति चेक कर लें, अगर इसमें गलती पाई गई तो पेंशन धारक की पेंशन नहीं आएगी, इसलिए हमें इसे भली भांति चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर इसमें गलती है तो जन आधार कार्ड में जाकर इसको सुधार लें। अगर डिटेल सही है तो बैंक डिटेल को भली भांति चेक करने के बाद वेरीफाई डिटेल यहां पर हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई डिटेल करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। अब दोस्तों आप पेंशनधारी की इनकम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद दोस्तों पेंशन धारक का रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, जिस भी रिलीजन से हो। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री यहां पर टिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद डिटेल अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगी, उसके बाद ओके करें। अब दोस्तों सेव एंड एग्जिट इस पर हम क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन सेव एंड एग्जिट करने के बाद दोस्तों आप फिर से एप्लीकेशन में आएंगे। अगर दोस्तों आपकी एप्लीकेशन में कोई कमी रह गई होगी तो आप एप्लीकेशन ऐड पर जाकर एप्लीकेशन को सुधार सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ई मित्र पेमेंट एंड फॉरवर्ड टू वेरिफिकेशन इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रोसीड फॉर द ई मित्र पेमेंट इस पर हम टिक करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपकी ई मित्र से आपका टोकन कट जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रिंट आउट आएगा, आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे दें। इस प्रकार दोस्तों आप पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।